सुजुकी कंपनी ने आइकमा 2023 में 2024 मॉडल सुजुकी GSX 8R को रिवील किया है। यहाँ पे इसका लुक देख सकते हैं। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में इसको बेचा भी जा रहा है, तो इसमें आपको क्या स्पेक्स देखने को मिल जाती है, पहले आप इसका लुक और डिजाइनिंग देख सकते हैं। यहाँ पे इसमें आपको ट्विन हेडलैम्प सेटअप भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ऊपर और एक नीचे आपको दो हेडलैम्प सेक्शन देखने को मिल जाती है। डिजाइनिंग इसके देख सकते हैं जो की फेरिंग सेगमेंट में स्पोर्ट बाइक देखने को मिल जाती है। वही 776cc पायलट ट्विन लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्शन इंजन के साथ आती है, जो कि लगभग 8500 आरपीएम पर 82.9 PS का पावर, जबकि 6800 आरपीएम पर 78 Nm का टॉर्क इंजन करती है। 6 स्पीड इसमें गियर बॉक्स भी दिया गया है। इसके अलावा इसकी ओवरऑल जो लुक और डिजाइनिंग है वो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 3 अलग अलग का ऑप्शन ब्लू, येलो और आपको ग्रे के साथ देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसके अलग फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिल जाता है, असिस्टेंट स्लीपर क्लच भी दिया गया है, 3 राइडिंग मोड मिल जाता है, राइड बाय वायर दिया गया है। इसके अलावा इसमें आपको 3 लेवल का ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। वहीं इसमें 1 टच स्टार्ट सिस्टम भी दिया गया है। इसमें आपको सुजुकी इंटेलिजेंस राइड सिस्टम मिल जाता है, जिसके वजह से अलग अलग कंडीशन में आपको अच्छी एक्सपीरियंस, राइडिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, ज़्यादा फन आपको इस बाइक चलाने में मिलेगा। बाकी इसमें सुजुकी ड्राइव मोड सेलेक्टर भी दिया गया है। सीट हाइट की बात करें तो इसमें आपको 810 mm की इसकी सीट हाइट है, ग्राउंड क्लियरेंस 145 mm की है और फ्यूल टैंक सिटी 14 लीटर मिल जाती है। वहीं इसका जो कर्व वेट है 205 kg तक है। वहीं इसकी प्राइसिंग की अगर बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइस 786,000 rupees यानी कि 786,000 rupees के आसपास है। वैसे तो इंडियन मार्केट में इस तरीके के जो मोटरसाइकिल है अभी तक नहीं बेचे जाते हैं, लेकिन क्या इंडियन मार्केट में भी ये मॉडल्स बेची जानी चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर इंडियन मार्केट में आती है तो जो यमहा कंपनी की R7 आने वाली है उसको ये टक्कर दे सकती है। आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही बाइक्स रिलेटेड लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।